कि श्री ठाकुर जी, परम पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम जी जब गीता वाटिका विराजते तो सारे कार्यक्रमों में तो सम्मिलित होते ही थे, और जैसी फुर्सत होती तो बाबा की कुटिया में सत्संग, एकांतिक सत्संग, केवल बाबा और ठाकुर जी दो ही रहते, तीसरा कोई नहीं। अब कैसा सत्संग होता होगा ये तो बाबा जाने, ठाकुर जी जाने। और सवेरे जैसे ही जगने का समय होता 4 बजे, बाबा स्नान के लिए चले जाते, ठाकुर जी से कहते तुम स्नान करो, अपने भजन करो। ठाकुर जी ऐसी आज्ञा का पालन करने वाले के फिर स्नान करके क्यों फिर सोते नहीं, क्या पूरी रात हो गई चर्चा करते करते अब सो जाएं, फिर स्नान करके भजन में लग जाते, फिर सवेरे से जो कार्यक्रम वहाँ चलते हैं वो सब कार्यक्रम होते। ऐसे ही काफ़ी लंबा समय बीत गया, संभवतः 1-1.5 महीना हो गया, ठाकुर जी सोए ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनो, 1-1.5 महीना हो गया, 1 मिनट नहीं सोए, न दिन में न रात में, सोए ही नहीं। तो एक दिन प्रसाद पाके आए, और प्रसाद पाके जहाँ कुटिया जहाँ दास भी रुका उस कुटिया में आकर के पूज्य बेड़मत कुंज वाले महाराज जी के लिए कुटिया बनी थी, छोटी सी कुटिया थी, तानपुरा की पेटी पे सो जाते। हाँ, तो उस कुटिया में आके ठाकुर जी लेट गए, प्रसाद पाके आए लेट गए, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया तो सोए नहीं थे। और बाबा तो भिक्षा के बाद फिर कुटिया में चले जाते, फिर ठाकुर जी बुला तो दिन में भी सत्संग रात में भी सत्संग, तो बाबा विकल हो गए प्रसाद पाने के बाद, आचमन के बाद, ठाकुर कहाँ गया, ठाकुर कहाँ गया, बोले ठाकुर जी तो कक्ष तरफ गए हैं। तो बाबा स्वयं खड़ाऊँ पहन के वहाँ तक चले आए, और देखा कि ठाकुर जी गंभीर निद्रा में, मतलब तो इतने थके हुए थे, 1-1.5 महीना हो गया था तो लेटते ही सो गए। तो बाबा ने बड़े प्रेम से सिर पे हाथ पधराया। इतना सावधान साधक को होना चाहिए, बाबा का स्पर्श होते ही वो चौंक गए। बाबा ने स्नेह पूर्वक कहा, आशिक होकर सोना क्या रे, क्या कहा, आशिक होकर सोना क्या रे, संसार में जो आशिक किसी के हो जाते वो खाना सोना सब छूट जाता उनका, और हम ठाकुर जी के भक्त बनते हैं, ठाकुर जी के दास बनते, फिर भी खाने सोने में हमारा समय जा रहा है। कहते बाबा के इस वाक्य से ठाकुर जी का जो थकान आलस्य निद्रा वो कहाँ की कहाँ चली गई, और जब जब ठाकुर जी वहाँ विराजते तो इसी तरह से निद्रा को त्याग करके सत्संग अहर्निश साधन। और बाबा के शब्द हैं, पूज्य बाबा श्री राधा बाबा के शब्द हैं कि मैं पर सजी सजाई थाली लेकर द्वार द्वार पर जाता हूँ, पर हर द्वार मुझे बंद मिलता है, केवल एक ठाकुर घनश्याम ऐसा है जिसका द्वार हर समय खुला रहता है। इसका मतलब है सत्पुरुष महापुरुष भाव की थाली में ज्ञान भक्ति वैराग्य के व्यंजन परोसकर जिमाने जाते हैं साधक के द्वार पर प्रायः साधक का द्वार बंद रहता है। हृदय खोल कर बैठोगे तो सब मिलेगा, हृदय खोल कर नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।